परिचय हे रश्मि मधुमक्खी के छत्तों में उन छेदों को देखो हाँ मधुमक्खियाँ कितने सुंदर छत्ते बनाती हैं क्या तुमने उन छत्तों पर ध्यान दिया है वे एक प्रतिरूप में हैं। हाँ वे एक प्रतिरूप में हैं। प्रकृति में हम बहुत सी चीजों में प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं चीजें जैसे हम्म जैसे पाइन कोन वाह मैंने पहले कभी इस प्रतिरूप पर ध्यान नहीं दिया था हमारे गणित के अध्यापक ने हमें इनमें से एक प्रतिरूप के बारे में पढ़ाया था जो उत्तरोत्तर पद अपने से पहले के पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होते हैं ये मजेदार है मैं भी ऐसे प्रतिरूपों के बारे में जानना चाहती हूँ ठीक है तो आओ मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूं उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे समांतर श्रेणी की व्याख्या करना पदों और सार्व अंतर को परिभाषित करना समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखना समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करना समांतर श्रेणी से संबंधित उदाहरणों को हल करना परिभाषा प्रकृति में बहुत सी वस्तुएं एक प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं जैसे सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियां, कैक्टस पर पाए जाने वाले प्रतिरूप इत्यादि समांतर श्रेणी इस प्रकार के प्रतिरूपों का अध्ययन है समांतर श्रेणी को समांतर श्रृंखला भी कहा जा सकता है समांतर श्रेणी के बारे में बात करने से पहले आइए जान लें कि श्रृंखला क्या होती है श्रृंखला उन संख्याओं का समूह होती है जो एक निश्चित प्रारूप का अनुसरण करते हैं हम श्रृंखला की प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं श्रृंखला के इन उदाहरणों को देखिए यह पहला पद है यह दूसरा पद है यह तीसरा पद है और इसी तरह आगे भी एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर कहलाती है इस श्रृंखला को देखिए हम देख सकते हैं कि यहाँ अंतर तीन है व्यापक रूप से हम एक समांतर श्रृंखला को निम्न प्रकार लिख सकते हैं जहाँ ए पहला पद है और डी पदों के बीच का अंतर जिसे सार्व अंतर कहते हैं इस उदाहरण को देखो हम देख सकते हैं कि इस श्रृंखला में प्रत्येक पद में तीन का अंतर है अतः एक बराबर एक यानी पहला पद और डी बराबर तीन यानी पदों के बीच सार्व अंतर ए और डी के प्रयोग से श्रृंखला का निर्माण करें हम जानते हैं कि ए पी ए ए जमा डी ए जमा दो डी ए जमा तीन डी आदि है ए डी का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है एक एक जमा तीन एक जमा दो गुणा तीन एक जमा तीन गुणा तीन आदि जिससे श्रृंखला एक चार सात दस आदि प्राप्त होती है समांतर श्रेणियां दो प्रकार की होती हैं परिमित समांतर श्रेणियां और अपरिम समांतर श्रेणियां वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित होती है या जिसमें एक अंतिम पद होता है उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं और समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित होती है या जिसमें कोई अंतिम पद नहीं होता उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं यहाँ अपरिमित समांतर श्रेणियों के कुछ उदाहरण हैं अब इस श्रृंखला को देखिए क्या आप सार्व अंतर बता सकते हैं हाँ आप सही हैं इसका सार्व अंतर ऋण तीन है सामान्यता एक ए पी ए एक ए दो आदि के लिए हमारे पास एक डी बराबर ए के जमा एक ऋण ए के होता है जहां ए एक के जमा एक और ए के क्रमशः के जमा एक वेवा पद होते हैं उदाहरण आइए कुछ उदाहरण हल करें इस श्रृंखला को देखिए हम ज्ञात करेंगे कि ये संख्याएं ए पी बनाती हैं या नहीं यहां ए एक ऋण तीन है ए दो ऋण तीन है ए तीन ऋण तीन है इत्यादि आइए, ए दो ऋण ए एक ज्ञात करें जो कि तीन ऋण ऋण तीन के बराबर है जो कि तीन जमा तीन बराबर छह के है साथ ही ए तीन ऋण ए दो बराबर ऋण तीन ऋण तीन बराबर ऋण छह है इसी तरह ए दो ऋण ए एक ए तीन ऋण ए दो के बराबर नहीं है दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी नहीं है एक एपी का एनवा पद। यदि एक समांतर श्रेणी का पहला पद ए एक है और उत्तरोत्तर पदों का सार्व अंतर डी है तो श्रृंखला का एनवा पद निम्नलिखित होगा हम जानते हैं कि इसे एपी का व्यापक पद ए एन कहते हैं यदि एपी में एम पद हैं तो ए एम अंतिम पद को निरूपित करता है जिसे कई बार एल से भी निरूपित करते हैं आइए अब एनवा पद के सूत्र के प्रयोग से दी गई ए का आठवां पद ज्ञात करें यहां ए बराबर दो टी बराबर सात घटा दो बराबर पांच और एन बराबर आठ है हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए जमा एन घटा एक डी अतः ए आठ बराबर दो जमा आठ ऋण एक गुणा पांच बराबर दो जमा पैंतीस बराबर सैतीस अतः दी गई एपी का आठवां पद सैतीस है उदाहरण वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका चौथा पद और सातवां पद नौ है हल दिया गया है कि चौथा पद और सातवां पद नौ है अतः ए चार बराबर ए जमा चार घटा एक डी इसलिए जो ए जमा तीन डी बराबर छ के है इसे एक के रूप में अंकित कीजिए और ए सात बराबर ए जमा सात ऋण एक डी जो कि ए जमा डी बराबर नौ के है इसे दो के रूप में अंकित कीजिए अब रैखिक समीकरण युग्म एक और दो को हल करने पर हमें प्राप्त होता है ए बराबर तीन और डी बराबर एक अतः वांछित एपी तीन चार पांच छ सात है एपी के प्रथम एन पदों का योग हम जानते हैं कि एपी का एन व पद एन बराबर ए एक जमा एन ऋण एक डी होता है मान लीजिए कि एपी के प्रथम एन पदों का योग एस है अतः हमारे पास है एस बराबर ए जमा ए जमा डी जमा ए जमा दो डी जमा इत्यादि जमा ए जमा एन ऋण एक डी इसे एक के रूप में अंकित कीजिए अब हम इन पदों को उल्टे क्रम में लिखेंगे अतः हमें प्राप्त हुआ एस बराबर ए जमा एन ऋण एक डी जमा ए जमा एन ऋण दो डी जमा इत्यादि जमा ए जमा डी जमा ए इसे दो के रूप में अंकित कीजिए अब एक और दो का योग करने पर हमें निम्न प्राप्त होगा ये एपी के प्रथम एन पदों का योग है इसे हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं हम जानते हैं कि ए जमा एन ऋण एक डी ए एन है अतः एस हो जाता है एन बटे दो गुणा ए जमा ए एन हम अंतिम पद एन को एल के रूप में भी लिख सकते हैं अतः एस हो जाता है एन पटे दो गुणा ए जमा एल हम इस परिणाम का प्रयोग उस समय कर सकते हैं जब ए पी का प्रथम और अंतिम पद ज्ञात हो और सार्व अंतर ज्ञात नहीं हो उदाहरण ए पी बराबर दो चार छ इत्यादि के प्रथम चालीस पदों का योग ज्ञात कीजिए हम देख सकते हैं कि दी गई श्रेणी ए पी है जिसका प्रथम पद ए बराबर दो और सार्व अंतर डी बराबर दो है हमें प्रथम चालीस पदों का योग ज्ञात करना है अतः एन बराबर चालीस हम जानते हैं कि एस बराबर एन बटे दो दो ए जमा एन ऋण एक डी अतः एस चालीस बराबर चालीस दो गुणा दो जमा चालीस ऋण एक दो बटे दो जो कि बीस चार जमा अठहत्तर बराबर एक हजार छह सौ चालीस के बराबर है अतः एपी के प्रथम 40 पदों का योग 1640 है प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए मान लीजिए कि एस बराबर एक जमा दो जमा तीन जमा इत्यादि जमा एक हजार एपी के प्रथम एन पदों के योग का सूत्र प्रयोग करने से हमें निम्न प्राप्त होगा और एन का मान रखने पर निम्न यह 500 सौ गुणन एक एक के बराबर है जो कि पांच शून्य शून्य पाँच शून्य शून्य होता है अतः प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग पाँच शून्य शून्य पाँच शून्य शून्य है प्रथम एन धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए मान लीजिए कि एस एन बराबर एक जमा दो जमा तीन जमा इत्यादि जमा एन हम देख सकते हैं कि ए बराबर एक और अंतिम पद एल एन है अतः सूत्र एस एन बराबर एन बटे दो गुणा ए जमा एल का प्रयोग करते हुए हमें निम्न प्राप्त होगा अतः प्रथम एन धनात्मक पूर्णांकों का योग एस एन बराबर एन गुणा एन जमा एक बटे दो होगा उस एपी के प्रथम उन्नीस पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद दो एन जमा एक है क्योंकि एन व पद दो एन जमा एक है अतः प्रथम पद बराबर दो एक जमा एक बराबर तीन द्वितीय पद बराबर दो दो जमा एक बराबर पांच आदि और उन्नीसवा पद बराबर दो उन्नीस जमा एक बराबर उनतालीस अतः संख्याओं की सूची जो हमें प्राप्त होती है तीन पांच सात इत्यादि उनतालीस अब एस उन्नीस क्या करना है हमारे पास है एन बराबर उन्नीस ए बराबर तीन और एल बराबर उन्नीस अतः एस उन्नीस बराबर उन्नीस बटे दो गुणा तीन जमा उनतालीस है यहां उन्नीस बटे दो गुणा बयालीस के बराबर है अतः एपी के प्रथम उन्नीस पदों का योग तीन सौ निन्यानवे है क्या आप जानते हैं एपी का एन पद उसके प्रथम एन पदों के योग और प्रथम एन ऋण एक पदों के योग का अंतर होता है यानी एन बराबर एस एन ऋण एस एन ऋण एक सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है निश्चित संख्या डी को सार्व अंतर कहते हैं ए पी का व्यापक रूप ए ए जमा डी ए जमा दो डी ए जमा तीन डी आदि होता है एक ए पी जिसका प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो उसका एनव पद या व्यापक पद ए एन बराबर ए जमा एन ऋण एक डी होता है एपी के प्रथम एन पदों का योग निम्न होता है यदि एल परिमित एपी का अंतिम पद यानी एनव पद है तो एपी के सभी पदों का योग निम्न होता है